हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आज हम लोग प्रिंसेस कट ब्लाउज डायरेक्ट कपड़े पर कैसे कटिंग किया जाता है वो हम लोग आज सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं मेरे ब्लाउज का मेजरमेंट मैं स्क्रीन पर दे रही हूँ, उसी मेजरमेंट से मैं आज ब्लाउज कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले हम लोग लेंथ लेंगे। मैं लेंथ 14 ले रही हूँ, 13 इंच लेंथ है, लेकिन मैं 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए ज़्यादा ले रही हूँ। तो अभी 2 मार्किंग देने के बाद अभी लाइन को सीधा कर लेंगे। अभी मैं नेक ले रही हूँ, नेक में 2 इंच ले रही हूँ, 2 इंच में मैं निशान दे रही हूँ। अभी लंबाई लूँगी नेक के, 9 इंच लिया हूँ। ये बैक नेक है इसीलिए 9 लिया हूँ। यहाँ ले रही हूँ मैं 2.5 इंच, 2.5 इंच नीचे, 2.5 इंच ऊपर, 2 इंच हमेशा आधा इंच ज़्यादा लीजिएगा नीचे में, ऊपर अगर जितना लेगा उससे आधा इंच ज़्यादा लीजिएगा तो गोलाई ठीक से होता है। अभी मैं लाइन को सीधा कर लूँगी। देखिए, अभी बॉक्स बनाने के बाद अभी हम लोग गोलाई दे देंगे नेक के लिए। मैं गोल शेप दे रही हूँ, आप किसी भी साइज नेक डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी मैं कंधा लूँगी, कंधा में 5 ले रही हूँ। बैक नेक डीप है इसीलिए 5 में दे रही हूँ। एक निशान यहाँ भी दे दिया हूँ। अभी 2 निशान को सीधा कर लेंगे। अभी मैं आर्म होल के डाउन ले रही हूँ 5.5 इंच। यहाँ भी एक 5.5 इंच में दे रही हूँ निशान। उसके बाद 2 निशान को सीधा कर लेंगे। अभी मैं ये पीछे का है इसीलिए मैं 1.5 इंच में निशान दे रही हूँ। आगे का मैं इसके बाद कटिंग करूँगी। अभी मैं पीछे वाला बैग वाला मैं कटिंग करूँगी पहले। देखिए, अभी गोलाई देन अच्छी तरह से दीजिएगा, नहीं तो ब्लाउज फिटिंग अच्छा से नहीं आएगा। अभी हम लोग चेस्ट लेंगे। चेस्ट में ले रही हूँ 32, हम लोग का चेस्ट है तो उसका चौथा भाग 8, तो मैं 8 में एक निशान दे रही हूँ। देखिए, अभी हम लोग का कमर है 28, 28 का चौथा भाग हो रहा है 7, तो मैं 7 में एक मार्किंग दे रही हूँ। अभी सिलाई मार्जिन आगे में 2 इंच में और एक निशान दे रही हूँ। एक इंच पहले मैं प्लीट के लिए दे रही हूँ, आगे 2 इंच सिलाई मार्जिन दे रही हूँ। अभी सिलाई मार्जिन से सिलाई मार्जिन को मिलाना है और फिटिंग लाइन से फिटिंग लाइन को मिलाना है। अभी हम लोग कट कर लेंगे। अभी हम लोग 1/2 इंची में एक निशान देंगे, क्योंकि सामने परसेंट बैक परसेंट से 1/2 इंच ज़्यादा होता है, इसलिए आधा इंच में इसलिए मैं निशान दे रही हूँ। अभी 1/2 इंच ज़्यादा निशान देने के बाद उसका ऊपर पीछे का पर्सन को रख के जैसे है वैसे ही हम लोग को ड्राइंग करना है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने को मत भूलिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जो लोग मेरा चैनल में नए हैं, जो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों।
तो देखिए हम लोग ड्राइंग, हम लोग पीछे वाला पर्सन रख के ड्राइंग करने के बाद अभी हम लोग पीछे के पर्सन को उठा देंगे, उठा के रख देंगे। अभी हम लोग आगे आगे के पर्सन के लिए ड्राइंग करना हम लोग को। हम लोग पहले आर्म होल के लिए लाइन सीधा करने के लिए हम लोग एक ठो 5.5 में मैं एक निशान दे रही हूँ ये लाइन सीधा करने के लिए, क्योंकि आर्म होल डाउन हम लोग 5.5 में लिए थे, इसीलिए 5.5 में मैं निशान दे रही दे के अभी लाइन सीधा कर रही हूँ। उसके बाद हम लोग सामने के लिए आर्म होल गोलाई दे देंगे 1 इंच में, सामने में 1 इंच होता है और बैक में 1.5 इंच होता है। देखिए सेव देन सेव अच्छी तरह से दीजिएगा। अभी मैं नेक ले रही हूँ 2 इंच में, नेक के लंबाई में 6.5 में दे रही हूँ निशान, ये सामने वाला है इसलिए। अभी मैं यहाँ पर मैं 2.5 इंच में एक निशान दे रही हूँ। अभी देने के बाद अभी लाइन को हम लोग सीधा कर लेंगे। अभी हम लोग टॉक्स पैन लेंगे, हम लोग का टॉक्स पैन में 10 में निशान दे रही हूँ 10 इंच में। उसके बाद यहाँ से 3 इंच में दे रही हूँ निशान, एक निशान यहाँ भी दूंगी 3 इंच में। देने के बाद अभी लाइन को सीधा कर लेंगे हम लोग। अभी हम लोग गोलाई दे देंगे प्रिंसेस कट के लिए, गोलाई दे देंगे हम लोग। देखिए अभी हम लोग प्लीट के लिए आगे में 2 इंच में निशान दे रही हूँ। यहाँ भी 2 इंच में एक निशान दे रही हूँ। अभी देने के बाद इसको मिलाना है। देखिए अभी मैं आगे में 1 इंच ज़्यादा ले रही हूँ, क्योंकि इस तरह का सिलाई होता है ना, इसीलिए 1 इंच ज़्यादा लेना पड़ता है। और यहाँ 2 इंच लिए थे ना कट करेंगे, इसीलिए यहाँ भी 2 इंच हम लोग को बढ़ाना है। अभी हम लाइन को सीधा कर लेंगे। जो लोग मेरा ड्राइंग समझ में नहीं आ रहा तो पाउस पीछे आप लोग 2 बार 3 बार पीछे करके देखिए तो समझ में आ जाएगा पूरा। अभी हम लोग शेप दे देंगे गले के लिए, तो अभी हम लोग कट कर लेंगे। अभी अगर आपको ड्राइंग समझ में कोई परेशानी हो रहा था दोस्तों, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं और भी सरल तरीके से आपको समझाने के लिए पूरी कोशिश करूँगी। देखिए हम लोगों का निकल गया सामने पर्सन भी, देखिए कटिंग हो चुका है सामने पर्सन के लिए। अभी हम लोग हैंड कटिंग करूँगी। हैंड का लंबाई में 4 इंच ले रही हूँ, 3 इंच लंबाई है लेकिन मैं 4 इंच ले 1 इंच सिलाई मार्जिन ले रही हूँ ऊपर और नीचे के लिए।
अभी हैंड लंबाई लेने के बाद अभी मैं ठीक से रखने के बाद अभी मैं 2 इंच में एक ठो निशान दूंगी, डाउन में 2 इंच डाउन करूंगी। उसके बाद मैं 7.5 में एक निशान दूंगी, क्योंकि हम लोग का हैंड मोरी 5.5 है तो उससे 2 इंच ज़्यादा लेना पड़ता है। 2 इंच ज़्यादा लेने से पूरा परफेक्ट होता है हैंड कटिंग, छोटा बड़ा कहीं से भी नहीं होता है। अभी हम लोग हैंड मोरी 5.5 में एक निशान देंगे। अभी हम लोग सिलाई मार्जिन को सिलाई मार्जिन से मिला देंगे। ये फिटिंग मार्जिन है, आगे हम लोग सिलाई मार्जिन देंगे। देखिए मैं 2-2 इंच में दे रही हूँ, क्योंकि ब्लाउज में 2 इंच दिया हूँ ना, इसीलिए हैंड में भी 2 इंच देना पड़ता है। देखिए 2-2 इंच देने के बाद अभी हम लोग दोनों लाइन को मिलाने के बाद अभी हम लोग सामने के लिए शेप दे देंगे। अभी हम लोग कट कर लेंगे। अभी हैंड को खोल के सामने वाला का शेप दे दीजिएगा, कट कर लीजिएगा सामने वाला का कट शेप को। देखिए हम लोग का सिला कटिंग पूरी हो चुका है। अगर आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज का स्टिचिंग देखना है तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज का स्टिचिंग भी आपके लिए लेकर आऊँगी। तो आज के लिए मैं वीडियो कहीं पर रखती हूँ, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।